गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार दुबंसी आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स के साथ। साथियों, आज आप पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, जो कि है एक्सरसाइज 4.1 यानी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और प्रश्नावली 4.1। ये क्लास बहुत ही ध्यान से देखना, ईमानदारी से देखना और बड़े प्यार से देखना, बड़ी मज़ेदार क्लास होगी। उसके पहले आपके लिए चंद लाइनें। न फिसलो इस उम्मीद में, न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, न डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। सोचकर न डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा, ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का मेरे यार, देखेगा कोई तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। इसलिए अभी टाइम है, क्लास 10th में पहुँचे हो तो ईमानदारी से पढ़ लो, जिससे कि मुसीबत में ना दिखो और कोई मज़ा ना ले पाए। नहीं तो फिर अभी अगर मजा ले लिए तो ज़िंदगी भर सजा मिलती रहेगी। इसलिए ईमानदारी से पढ़ना, क्लास पूरा देखना। क्वेश्चन बहुत आसान, एकदम हलवा है। कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, मतलब इसको हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बना देना है, बाकी का काम और लोग करेंगे। क्या कहता है चलिए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 मीटर है, क्षेत्र नहीं क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल मीन्स एरिया। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। साथियों, आयताकार का मतलब ये होता है आयत के आकार का है, भूखंड मतलब ये होता है किसी भूमि का टुकड़ा, जैसे प्लाट मान लो, आपने देखा होगा ना, कहते हैं हमारे अंकल जी प्लाटिंग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो यही प्लाट आयताकार है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है। अगर चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई 2×2=4 मीटर है, धन 1 5 मीटर है, क्योंकि कह रहा है एक और अधिक है ना। बस इसी का समीकरण बनाना यार बाबू, बहुत ही आसान, एकदम मज़ेदार है। कैसे देखो, आप ये बताओ, पहले कमेंट करके बताओ जल्दी से कि पहले लंबाई मानेंगे कि चौड़ाई, जल्दी बोलो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा आज, सुनील जी देख रहा हूँ मैं, आपको नाम नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस हो गया, चलो। तो आपको एक बात बता दें, अगर आपसे बोलें कि जो मोहन है, मोहन जो है वो सोहन से 3 साल बड़ा है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बच्चा बताओ मोहन की आयु कितना है, तो कैसे जानोगे? पहले सोहन की आयु आनी चाहिए ना, तभी तो मोहन को बताएंगे, क्योंकि जो मोहन है वो सोहन पे निर्भर है। क्वेश्चन ऐसा है कि मोहन सोहन से 3 साल बड़ा है, तो अगर सोहन 6 साल का है तो मोहन कितने साल का होगा? सिंपल सी बात है, उससे 3 साल बड़ा है, किससे? सोहन से। अगर सोहन 6 का है तो मोहन 6×3=9 का हो जाएगा ना। तो इसमें क्या मानोगे? माना, जल्दी लिखो फटाफट, माना आयताकार भूखंड का की, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है ना। इसलिए बच्चा देखो, जब भूखंड की चौड़ाई यक्स मीटर हो गई तो इसलिए जो लंबाई होगी क्या होगी? 2x+1 मीटर। अब आपके मन में आ रहा होगा ये कैसे होएगा भगवान, देखो कह रहा जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दोगुना मतलब 2x, एक अधिक मतलब 1 जोड़ दो, हाँ सिंपल सा। आगे क्या कहता है, कह रहा कि इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो बच्चा लोग नीचे दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ, नीचे दिख रहा है ना। अब लिखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार यहाँ लिखो, मैं लिखूँगा नहीं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, लिखो इसको कॉपी में, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन सबको हिंदी में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्चा, ये लो मीटर स्क्वायर, ओके 528 मीटर स्क्वायर। आ गया उत्तर आपके सामने, आ गया फटाफट, देखो कैसे। अब हम ऊपर करेंगे प्रश्न अनुसार क्वेश्चन मिटाएंगे, जल्दी वीडियो रोक लो तुरंत। देखो अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? आयताकार आप लिख लेना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 528, ये मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखो आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई, आयत नहीं आयताकार, आयताकार भूखंड की लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई गुणा चौड़ाई, लिख लिया बच्चा इतना ना, ठीक है। अब आगे चलो, बहुत मज़ेदार है, एकदम आसान है, ठीक, इतना हो गया। अब देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल चूंकि हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो आप इधर लिखोगे 528, अब मीटर स्क्वायर हर जगह मत लिखो, लास्ट में लिख देना। लंबाई कितना है बच्चा लोग, देखो 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है x, चूँकि हमने माना था, बस यही हल करना है, पूरी कहानी इतने में ही है। ये 528 हो जाएगा, गुणा करोगे 2x का स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा तो जीरो लेबल देखो ये कैसे हो रहा है, चूँकि यहाँ पे ये नहीं बताया जाता है, ठीक है। 2x का मल्टीपल x में हुआ तो 2x स्क्वायर हुआ, और x का 1 में हुआ तो x हो गया, इस तरह से इधर आएगा ये बच्चा लोग, तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर जीरो आएगा, और यही समीकरण हमें लिखना था ना। कैसे किया हमने, इसको पूरा इधर ले आया हाँ, और उसको उधर ले जाओगे, हिसाब किताब कर लेना, 10th में पहुँचे उतना तो आता ही है। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बता देना कि मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन ऑन करिए जिससे कि आप इस तरह से पढ़ सकें, बहुत जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.1, आप जान रहे हो क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स से बच्चा, ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x प्लस ना, गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो एक्चुअली यहाँ पूर्णांक नहीं ज्ञात करना, आपने बुक में देखो तो वहाँ पे कहा गया है, मोटा मोटा ऊपर लिखा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब हमें इन स्थितियों को देख करके द्विघात समीकरण बनाना है बस। तो आप लिखो, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जो मुख्य बात है वो क्या है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जैसे अगर एक मान लो हमने ले लिया एक पूर्णांक 1 है, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, अगला धनात्मक पूर्णांक 3 होगा, लेकिन ये तो भैया चरपद हैं, कांस्टेंट हैं। लेकिन अगर हम x ले लिए तो अगला धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा, कैसे, देखो अगर x की जगह पे हम 1 मान लें, x की जगह पे 1 मान लें, तो अगला धनात्मक पूर्णांक देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे देखो 2 मान लें, तो अगला धनात्मक पूर्णांक 3 आएगा ना, बोलो आएगा ना, आएगा ना, इसका मतलब ठीक है ना। अगर कर्मागत धनात्मक पूर्णांक मानना है तो पहले x मानना, पहले को दूसरे को x प्लस 1, मतलब एक एक के अंतराल पे मानना। एक बात और यहीं पर बता दूं, अगर दो कर्मागत सम धनात्मक पूर्णांक मानना है या विषम मानना है तो एक एक छोड़ के मानना, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, ऐसे मानना, दो दो का अंतराल होगा, ठीक है। चलो माना, माना पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x, फिर आगे लिखोगे दूसरा, दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल x प्लस 1, कह रहा है कि इनका गुणनफल 306 है। तो बच्चा लोग आप एक काम करो, यहाँ पर लिख दो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका गुणनफल 306 है, मतलब x इंटू x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो कितना आता है, 306 आता है। बस इसी का समीकरण बनाना था, बना दो प्यार से, बड़े आराम से आ गया, जल्दी से हो गई बात ख़त्म। गुणा कर लो, x का स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 में होगा तो x हो जाएगा, बराबर 306 हो जाएगा। इधर साइड में लिख दूँ फाइनल उत्तर ना, देखो ये 306 उधर ले जाओ, बस हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, ये हो गया आपका आंसर, इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए ना, कितना आसान है, वेरी सिंपल सा यार, जल्दी से लिख लो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए, और बेल आइकन ऑन करिए जिससे कि आप इस तरह से सारे वीडियो देख पाएँ और हर एक पार्ट को हल कर पाएँ। जय हिंद, आगे बढ़ते हैं, अभी जाना मत, अगला भी है। देखो बच्चा, आपकी तीसरा पार्ट देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा समझ लो बस ठंडे दिमाग से। कह रहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ, देखो माँ तो दुनिया में सबसे एक बड़ी अजूब और कीमती, मतलब क्या बोलें, जो भी है सब कुछ होती है,
तो माँ तो हमेशा बच्चे से बड़ी ही होती है ना। रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, यानी रोहन और रोहन की माँ की आयु जो है उसका गुणा कर देंगे। अगर मान लो रोहन की माँ की जो आयु है वो 40 वर्ष है, रोहन की 25 वर्ष है, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लो 15 साल है रोहन की, उनका जो गुणनफल है कितना है, 360 हो जाएगा 3 वर्ष बाद, लेकिन आज नहीं। हाँ, फिर कह रहा कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है मुख्य ना, हमें इसमें द्विघात समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। हमें आयु नहीं निकालनी है, सिर्फ समीकरण बनाना है। आप देख लो, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है बच्चा, तो एनसीईआरटी बुक में क्या है ना, एक्सरसाइज अगर आप देखो तो क्या है, ये 4.1 में आप देखो कि क्वेश्चन नंबर ये जो है सेकेंड का ना थर्ड पार्ट है, तो ध्यान से इसको देखो। हाँ, अभी क्लास में अगर आपके पास बुक है तो आप देख लो, पेज नंबर है बच्चा ये 82 है एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 4.1 है, प्रश्नावली 4.1 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर द्विघात समीकरण का निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण बनाइए। चलिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? रोहन से। लेकिन पहले रोहन की आयु जब पता होगी तभी तो हम उसकी माँ की आयु जान पाएंगे ना, और दोनों की आयु जब आएगी तभी तो समीकरण बनेगा। ये रोहन की माँ की आयु नहीं दी गई है 26 वर्ष, याद रखना। कह रहा कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब इसकी माँ की आयु कितनी ये भी नहीं पता है, और उसकी कितनी ये भी नहीं पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, लिखो, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स वर्ष, क्योंकि ये सब वर्ष में ही होती है, आयु महीना में नहीं होती है। रोहन की अगर वर्तमान आयु एक्स वर्ष हो जाएगी तो आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसकी माँ की आयु क्या होगी, बोलो। रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या होगी, उससे 26 वर्ष बड़ी, मतलब बच्चा ये यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, तभी तो 26 वर्ष बड़ी होगी ना भैया। ये समझो कि अगर रोहन 5 साल का है तो उसकी माँ 31 साल की होगी ना भाई, माँ तो बड़ी होगी ना। ये हो गया इतनी कहानी। आगे क्या कहता है, अभी इतने में बस नहीं हुआ, अभी कह रहा कि अब से 3 साल बाद, मतलब आज का तो छोड़ दो भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 3 साल बाद देखो, 3 साल बाद क्या होगा, दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 साल तक रोहन ऐसे तो नहीं रहेगा कि इतना बड़ा तो इतना बड़ा रहेगा, तब तक इतना बड़ा हो जाएगा और उसकी माँ जो है और बड़ी हो जाएंगी, है ना, दोनों बड़े हो जाएंगे। तो क्या होगा, अब नीचे लिखो, 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर, जल्दी लिखो फटाफट, 3 साल बाद, देखो मैं लिखूंगा नहीं पूरी बात, 3 साल बाद रोहन की 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर यक्स धन 3 वर्ष, मतलब अगर आज वो 15 साल का था तो 3 साल बाद 18 साल का हो जाएगा, शादी योग्य हो जाएगा। नहीं जी, शादी योग्य नहीं, मतलब लड़की होती तो 18 पे होती, इस समय लड़का 21 साल का होता है ना, तो आप मत कुछ समझना अपने को, चलो आगे लिखते रहो बस, अभी आप शादी योग्य नहीं हुए अगर 10th में हो तो। 3 साल बाद कितनी का हो जाएगा रोहन, एक्स प्लस 3, और फिर नीचे लिखो, 3 साल बाद रोहन के माँ की आयु बराबर यक्स प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, है ना, बस हो गई पूरी कहानी खत्म। प्रश्नानुसार लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द कंप्लीट सोल्यूशन। अब मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा, जिनको लिखना है रोक के लिख लो, ऊपर मैं कंप्लीट आंसर लिखूंगा। जल्दी करो फट से, बहुत जल्दी करो बच्चा, हाथ और दिमाग दोनों चलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की दौड़ में आ चुके हो, 10th में हो तो। देखो आगे जो कह रहा है, प्रश्नानुसार लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है ना। तो चलो बच्चा, दोनों की आयु का गुणनफल, मतलब ये और ये 3 साल बाद वाला, ये वर्तमान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 साल बाद वाला। तो इनकी आयु का जो गुणनफल है, यानी ये किसका आयु है, रोहन की माँ की आयु है, और रोहन की आयु 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हुई थी, इन दोनों का गुणनफल कह रहा कि 360 हो जाएगा, यही तो बोला था ना प्रश्न में, देख लो एक बार, है ना। चलो अब क्या होगा बच्चा, ये अब यही तो पूछ रहा था, कुछ और पूछ रहा था, देखो जल्दी से, यही था। अब चलो गुणनफल कर लो फटाफट,
तो बच्चा ये आप थोड़ा सा साल्व कर लो, x प्लस तीन, ये देखो 26 में 3 जुड़ जाएगा तो ये x प्लस 29 हो जाएगा बराबर 360, कितना हो जाएगा 360। वो गेट बंद कर लीजिए, हाँ आगे चलें। अब देखो इधर इतना हो गया, अब इनका गुणा करो, मल्टीपल करो फटाफट। चलो देखो कैसे, इनका दोनों का गुणा करो बच्चा, पहले यक्स को पकड़ के इसमें पूरे में गुणा कर दो। तो यक्स का गुणा यक्स में करोगे तो मैंने बेसिक मैथ में सिखाया है, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा बीच में प्लस, फिर यक्स का मल्टीपल 29 में करोगे, 29 में करोगे तो ये 29x हो जाएगा, इतना हुआ। तीन को पकड़ो इसमें पूरे में गुणा करो, तो तीन का गुणा एक्स में करोगे तो ये 3x हो जाएगा, और तीन का गुणा 29 में करोगे तो 29 तीन या 87 हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं लास्ट में नंबर दिखाऊंगा, नहीं ऊपर नंबर दिख रहा होगा उस पर संपर्क करना, जीरो लेवल की मैथमेटिक्स देखना, उसमें सब सिखाया जाता है कैसे आता है क्यों आता है, यहाँ पे नहीं बताने का टाइम, ठीक है। तो जीरो लेवल वाला देखना अगर नहीं समझ में आया तो। इक्वल कितना हो जाएगा 360, ओके। अब क्या करोगे सोचो, 29x और ये 3x, देखो यार ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 29 3 हो जाएगा बच्चा ये 32x, यक्स का स्क्वायर प्लस 32x और प्लस ये 87 माइनस का 306 बराबर 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है और राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना पद 0 करना है, इसके बाद ये दोनों प्लस माइनस घट जाएंगे और फाइनल में आंसर ना हम लल की पेन से लिखेंगे, कितना आएगा यक्स का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। तो बच्चा लोग घटा लो इसको, घटा के बताना अगर कुछ गड़बड़ होगा तो, 306 से 87 घटा लो, घटाना बहुत आता है आप लोगों को। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ऑन करें जिससे कि आप पढ़ सकें और सीख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि वो भी पढ़ सकें। क्लास हर दिन सुबह चलती है 8 बजे से, 8 बजे के बाद भी आप कभी भी देख सकते हो अगर चैनल सब्सक्राइब किए हो तो। किसी प्रकार की सहायता के लिए ऊपर नंबर दिया गया, दो दो नंबर दिया गया है, कोई व्हाट्सअप का नंबर और फ़ोन का नंबर नहीं देता यूट्यूब पे, लेकिन हम आपसे डायरेक्ट जुड़ते हैं, आप नंबर ले लो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है इसी में का अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का है बच्चा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा पार्ट। और हाँ, ये क्लास आपके PBR स्टडी क्लास 9th और 10th पर कंप्लीट चलती है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक भी मिल जाएगी या फिर नीले कलर का ये लिखा होगा, या फिर आप इसे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पूरा नाम लिख लो PBR स्टडी क्लास 9 ही लिखोगे तब भी मिल सकता है, या फिर एंड का चिन्ह लगा के 10th भी लिख देना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नंबर पर संपर्क करना। चलो इस पर चलेगी अगली क्लास अब, ठीक है। करा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है, मतलब एक ट्रेन है मान लो आपके घर से दिल्ली जा रही है, दिल्ली की दूरी सोच लो कि आपके घर से 480 किलोमीटर है और वो एक समान चाल से जा रही, मतलब मस्ती में जा रही, चाहे वो 80 किलोमीटर की स्पीड में या 70 के, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हो रही है, कई स्पीड में जा रही। उसके बाद जो भी है, फिर आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब जितने में जा रही है उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे और कम होती तो दूरी को तय करने में वो 3 घंटे और ज़्यादा समय लेती, तो फिर हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। वास्तव में हमें चाल नहीं ज्ञात करनी, हमें द्विघात समीकरण बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में इस कहानी को निरूपित कीजिए। देखो रेलगाड़ी की चाल निकालना है लास्ट में, तो हम जो लास्ट में है वही मानेंगे। आप नीचे लिखो हल, लिखो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटे, हो गया, ये हो गई रेलगाड़ी की चाल। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे दूरी पहले से दी गई है बच्चा, हाँ दूरी बराबर दी गई है कितना 480 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से बहुत कुछ निकल जाएगा क्योंकि दूरी चाल की कहानी बहुत बचपन से हम पढ़े हैं। यहाँ पे आप लिखो समय बराबर, समय का है निकाल रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ ये लल्लू लाल बोल रहे हैं कि अगर 8 किलोमीटर की जो चाल है प्रति घंटे कम हो जाए तो 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी, इसका मतलब हमें समय निकालना होना ज़रूरी है ना। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब वो अपने स्पीड में जाएगी जितने में जा रही है तो फिर कितना समय लगा रही, पहले हमें ये पता होना चाहिए ना, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे अगर चाल कम हो गई तो 3 घंटे कम समय लेगी। ये कहानी बाद में समझ पाएंगे ना, पहले तो हम ये समझें कि जब वो अपनी चाल से जा रही, अपने धुन में जा रही तो कितना समय ले रही ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, समय बराबर होता बच्चा क्या होता है, दूरी बटे क्या होगा चाल, है ना, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है आप जानते हो दूरी गुणे समय,
होता है ना, होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 मतलब दूरी बटे चाल यानी यक्स, क्या हो जाएगा समय, ये घंटे, हाँ इतने घंटे क्या लगेगा, समय लगेगा जब वो अपनी मस्ती में जाएगी तो। लेकिन अब इनकी कहानी पे चलते हैं। दूसरा जो कह रहे हैं कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती। आप इसे नोट कर लो, छाप लो, फिर मैं आगे लिखता हूँ क्योंकि मैं मिटाऊँगा इसको, ठीक है, हमारे पास जगह कम है, जल्दी लिख लो, इतना लिख लो बच्चा, फटाफट हो गया, चलो जगह तो बहुत है, मैं नीचे भी कुछ लिख देता हूँ, लिखो नीचे लिखो, जब रेलगाड़ी की, जब रेलगाड़ी की चाल, नीचे लिखो, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तब नई चाल बराबर, हाँ, या फिर ये पूरी कहानी मत लिखो, ऐसे लिख लो रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, जैसे आप समझो, चाहे इतना लिख लो चाहे आप लिख लो, पूरी कहानी ही लिख लो, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तब नई चाल बराबर यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, इतना हो गया ना, आगे चलें, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब क्या करोगे, दूरी बराबर, देखो बच्चा दूरी अभी भी वही है, दूरी में कोई अंतर नहीं है, दूरी वही है। अब आप नया समय निकालोगे, क्या करोगे, नया समय निकालोगे, वीडियो को पीछे करके लिखना अगर नहीं लिख पाए हो तो, ठीक है, वीडियो थोड़ा पीछे कर लेना, लिख लेना पूरी कहानी। अब क्या करोगे, अब निकालोगे समय, तो समय बराबर फिर वही सूत्र लगाओगे, कौन सा, जो अभी आप लगाए थे वही लगाओगे, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल ना, दूरी बटे चाल ना बच्चा, यही ना, तो दूरी बटे चाल मतलब 480 बटे चाल मतलब यक्स माइनस 8, ये हो गया नया समय। इसे लिख लो समीकरण, चाहे दो लिख लो, समीकरण एक बना था हमें याद है 480 बटे यक्स, यही बना था ना, यही बना था ना। अब मैं क्वेश्चन मिटा ना दूं, हाँ क्वेश्चन मिटा के ऊपर हल कर लेता हूँ, आप पीछे देखना इसके पहले जो हुआ उसको नोट करे हो तब समझ में आएगा, नहीं लिखे हो समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिखते जाओ सब। अब देखो प्रश्नानुसार क्या होता है, जो आपकी अभी चाल आई थी पहले और जो बाद में, दोनों को बराबर करोगे, सॉरी चाल नहीं समय, तो पहले जो समय आया था वो कितना आया था बच्चा लोग, 480 बटे यक्स घंटे ना, उसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो वो 3 घंटे और अधिक का समय लेती है उसी दूरी को तय करने में, यानी कि जो 480 बटे यक्स माइनस 8 का समय ले रही थी इससे 3 घंटे का और ज़्यादा समय लेगी अब, ये नई कहानी है इसकी, ठीक, इसी को हमें हल करके क्या करना है, इसी को हमें हल करके समीकरण बना देना है। चलो देखो ये हो जाएगा 480 बटे यक्स, ये पूरा उधर से इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 480 बटे यक्स माइनस 8 बराबर 3, हाँ इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे बच्चा लोग तो ये हो जाएगा 480 यक्स माइनस 8 का गुणा करोगे पूरे में, 8 0 8 2 64 8 4 32 6 38, इतना हो जाएगा क्योंकि हमने यक्स माइनस 8 का 480 में गुणा कर लिया, यक्स का गुणा 480 में करोगे तो 480 यक्स हो जाएगा, हो गई कहानी समझ में आई ना, यक्स का गुणा इसमें पूरे में करोगे जब बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा, यक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, यक्स का 8 में 8x, ये बराबर का जो 3 था वैसे रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये भैया प्लस में है ये माइनस में है, कट गए काम ख़त्म, छोटे हो गए, हाँ आगे क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख लो, अब क्रॉस मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये 3x का स्क्वायर माइनस 3 8 24x बराबर क्या बचेगा, ये देखो ध्यान दो माइनस में है तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा कि प्लस हो जाएगा, सोचो और बताओ, ये माइनस में है अगर गुणा होगा तो यहाँ प्लस वलस का कोई कंडीशन नहीं है, वो माइनस में ही रहेगा, 38 40, हाँ ठीक, इतना बात समझ में आ रही ना। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, वो क्या है कि मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके उल्टा लिख दिया ना, तो मैं जैसे वैसे ही लिख देता हूँ, इधर साइड में देखो आप लोग, मतलब वही होगा, माइनस का 300 ये 38 40 और इक्वल 3 का गुणा जब करोगे तो मैं थोड़ा सा और विस्तार कर दे रहा हूँ इसमें पूरे में ऐसे, ये समझ में आ रही ना बात, अब इस 3 का गुणा इसमें पूरे में हो रहा है और इस 1 का गुणा इसमें हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब देखो,
अब ये माइनस 38 40 बराबर ये 3x का स्क्वायर माइनस ये 24x, चाहे जितनी भी लाइन बढ़ा लो समीकरण आ गया, समीकरण हो गया आपके सामने। ठीक है, अब क्या करोगे ना बच्चा लोग, इसमें देखो तीन से आप दोनों तरफ भाग दे दो, क्योंकि ये तीन से कट जाएगा। क्या होगा ये तीन से कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तीन से कट जाएगा ना। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो बस, देखो तीन से इसको काट दो, तीन एक कम तीन, तीन से काटोगे आठ, आठ एक्स ना, और इसको तीन से काट दो, तीन एक कम तीन, तीन दून अच्छा, तीन अठे चौबीस, जीरो 1280 आएगा माइनस का। इसको सबको इधर ले आओगे तो आपको मिलेगा एक्स का स्क्वायर माइनस आठ का एक्स, क्यों आठ एक्स ये बचा था, एक्स स्क्वायर ये बचा था, माइनस का ये 1280 बराबर जीरो। ये हो गया समीकरण जो ये बनाने को बोल रहे थे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता साथियों। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ऊपर नंबर दिया गया है, कोई प्रकार की अगर आपको बताना है कोई बात या कुछ भी पूछना है तो आप उस पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब आगे कुछ नहीं बताना है, आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म हो चुकी, चूँकि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है 4.1। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 यानी कि एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, सुबह 8 बजे क्लास देखिए। जय हिंद। चलते चलते निवेदन होगा, इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, अगर आप शेयर करोगे तो सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, इसलिए खूब शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है।